Redmi 9 Power डिवाइस के यूजर्स के लिए ना MIUI 12.5.5.0 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है फिर से। जी हाँ गाइज, पिछले बार यानी कि कई सारे बैचेस में पीछे भी अपडेट देखने के लिए मिल चुका है। एंड गाइज, फिर से Redmi 9 Power डिवाइस में MIUI 12.5.5.0 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। एंड गाइज, अभी जो अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ है ना, वो अपडेट का फाइल साइज गाइज काफ़ी लंबा देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ गाइज, यहाँ पे फाइल साइज आप लोग को 2.6 GB का देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज, ऐसे में आप लोग एक्साइटेड होंगे कि भाई इस अपडेट में क्या कुछ न्यू चेंज लॉग देखने के लिए मिल रहा है, कि ये अपडेट का फाइल साइज आप लोग को 2.6 GB का देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइज, इस अपडेट में आप लोग को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है गाइज, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड गाइज, इसी के साथ में हम बात कर रहे हैं गाइज कि ये अपडेट जिन Redmi 9 Power डिवाइस के यूजर्स को ना अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है, तो गाइज उन्हें फाइनली कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आप भी हैं Redmi 9 Power डिवाइस के यूजर्स ना, तो गाइज आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज मैं भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, फाइनली फिर से एक बार Redmi 9 Power डिवाइस के यूजर्स के लिए MIUI 12.5.5.0 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। जी गाइज, यहाँ पे पहले भी कई बार ये अपडेट देखने के लिए मिल गया है, लेकिन गाइज ये अपडेट सभी यूजर्स को देखने के लिए नहीं मिला था। तो गाइज, फिर से एक बार MIUI 12.5.5.0 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट Redmi 9 Power डिवाइस में मिलना स्टार्ट हो गया है। अगर बात करें गाइज इस अपडेट के फीचर्स के बारे में, तो गाइज फीचर्स ना आप लोगों को यहाँ पे काफी लंबा देखने के लिए मिल जाता है। 2.6 GB का आप लोगों को फाइल साइज देखने के लिए मिलता है। तो गाइस, अब बात करते हैं कि ये फाइल साइज इतना लंबा क्यों देखने के लिए मिला है। तो गाइस, आप लोगों को मालूम होगा कि ना कि बहुत सारे Redmi 9 Power डिवाइस के जो यूजर्स है ना, जिनको MIUI 12.5.4.0 का भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिला था, तो गाइस उन्हें MIUI 12.5.5.0 का जो अपडेट देखने के लिए मिला है ना, तो गाइस इसी वजह से यहाँ पे आप लोगों को फाइल साइज थोड़ा लंबा देखने के लिए मिला है। अगर बात करें गाइस कि यहाँ पे अगर उन्हें MIUI 12.5.4.0 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला, तो इट मींस यार उनका Redmi 9 Power डिवाइस ना MIUI 12.0.12.0 में अपडेटेड था। तो गाइस इसी वजह से यहाँ पे आप लोगों को MIUI 12.5.5.0 का जो न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट हुआ है, तो गाइस इसी वजह से आप लोगों ने यहाँ पे इसका फाइल साइज 2.6 GB का देखने के लिए मिल जाता है। गाइस, मैंने कई सारे वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जिनका Redmi 9 Power डिवाइस MIUI 12.0.12.0 में अपडेटेड है, गाइस उन्हें भी अपडेट देखने के लिए मिलेगा। जिन Redmi 9 Power डिवाइस के यूजर्स को MIUI 12.5.4.0 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला, गाइस उन्हें भी MIUI 12.5.5.0 का अपडेट देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा वेट कर ले। एंड गाइस, फाइनली उन यूजर्स को 2.6 GB फाइल साइज के साथ में अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया MIUI 12.5.5.0 का। तो गाइस, अगर यहाँ पे जो यूजर्स डाउनग्रेड कर दिए होंगे, तो गाइस उन्हें तो अभी पछताना पड़ रहा होगा, क्योंकि अपडेट देखने के लिए मिलता है सभी यूजर्स को। मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो में कंफर्म किया हूं कि जिनका Redmi 9 Power डिवाइस MIUI 12.0.12.0 में अपडेटेड है, उन्हें भी अपडेट देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा लेट से देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उन्हें भी अपडेट देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइस, मैंने कई सारे वीडियो में मना भी किया था कि अपने फोन को आप बिल्कुल भी डाउनग्रेड मत करना, थोड़ा सा और वेट कर लो। एंड थोड़ा सा वेट करने के बाद आप लोगों को अगर अपडेट देखने के लिए नहीं मिलता MIUI 12.5.5.0 का, तब जाके आप सर्विस सेंटर में विजिट कर सकते हैं, लेकिन अपने फोन को आप डाउनग्रेड बिल्कुल भी मत करना। ये मैंने कई वीडियो में मना भी किया है, लेकिन गाइस अगर जो यूजर्स कर लिए होंगे तो कोई बात नहीं, उन लोगों को भी अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो यूजर्स नहीं किया है, जिनका Redmi 9 Power डिवाइस MIUI 12.0.12.0 में अपडेटेड है, तो गाइस फाइनली उनके डिवाइस के लिए ना MIUI 12.5.5.0 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है। जिस अपडेट का फाइल साइज आप लोगों को वही 2.6 GB का देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस यही कुछ रीजंस थे जिसके वजह से आप लोगों को 2.6 GB का फाइल साइज देखने के लिए मिला, क्योंकि गाइस आप लोगों को बीच में एक MIUI 12.5.4.0 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिला था। तो गाइस यहाँ पे जो आप MIUI 12.5.5.0 का जो अपडेट देखने के लिए मिल रहा है ना, तो गाइस इसी वजह से आप लोगों को यहाँ पे फाइल साइज कुछ ज्यादा देखने के लिए मिला। अगर बात करें गाइस कि यहाँ पे चेंज लॉग का कुछ देखने के लिए मिला हुआ, तो गाइस वही अदर में ही चेंजेस देखने के लिए मिला। ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। इट मींस यार ऑप्टिमाइज कर दिया गया सिस्टम परफॉर्मेंस को, इंप्रूव्ड कर दिया गया सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को। इट मींस यार जब आप अपने Redmi 9 Power डिवाइस को ना MIUI 12.5.5.0 में अपडेट करेंगे, तो गाइस आपके डिवाइस का जो सिक्योरिटी पैच होगा ना, वो लेटेस्ट अपडेट में रन
करने लगा है, जो कि गाइस आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गाइस यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच में रन करेगा एंड गाइस आपके डिवाइस के जो छोटे मोटे बग होंगे उन्हें यहाँ पे फिक्स कर दिया गया इस अपडेट के थ्रू। तो गाइस आपके डिवाइस का परफॉर्मेंस जो है ना वो इस अपडेट को अपडेट करने के बाद और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो गाइस अब फाइनली बात करते हैं कि जिन रेडमी 9 पावर डिवाइस के यूजर्स के लिए MIUI 12.5.5.0 का अभी तक अपडेट देखने के लिए नहीं मिला, तो गाइस उन्हें फाइनली कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस अपडेट ना यहाँ पे सभी को मिलना स्टार्ट हो गया एंड गाइस जिनका रेडमी 9 पावर डिवाइस MIUI 12.0.12.0 में अपडेटेड है उन्हें भी ये अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया। सो गाइस अगर आपको अपडेट देखने के लिए नहीं मिला ना तो गाइस अब वेट कर लो, 2 से 3 दिन के अंदर फिर से नेक्स्ट बैच अपडेट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गाइस अपडेट आप लोगों को मालूम होगा कि सभी यूजर्स के लिए भी देखने के लिए मिल जाता ना, तभी अपडेट कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है एंड गाइस अपडेट उसमें से भी अप्रॉक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलता है। सो गाइस अलर्ट करके सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहना। वैसे गाइस अपडेट को चेक करने के लिए आप एक्टिव रहना 2 से 4 बजे के बीच में, क्योंकि गाइस मोस्टली जो अपडेट देखने के लिए मिलता है ना वो गाइस इसी टाइम में देखने के लिए मिलता है। सो गाइस आप इसी टाइम में अपडेट रहकर ना अपने डिवाइस के सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहना। वैसे गाइस जब भी रेडमी 9 पावर डिवाइस के यूजर्स के लिए ना फ्यूचर में कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलेगा तो गाइस आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पर न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस फिलहाल मैं अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन होना तो गाइस नीचे कॉमेंट सेक्शन में ना जरूर बताना एंड गाइस आप लोग को अपडेट देखने के लिए मिला या फिर नहीं मिला वो भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करना एंड गाइस ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।